कर रहा है, कोई रिकवरी वाला, कोई एनबीएफसी वाला, कोई साहूकार, कोई बैंक वाला, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। भारत के संविधान के हिसाब से ना तो कर्जा लेना अपराध है, और यदि आप समय पर कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं तो ये भी कोई अपराध नहीं है। कोई गलत कदम नहीं उठाना है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, कर्जे की दलदल में फंस गए, कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, कर्जे के कारण परेशानी हो रही है, कोई गलत कदम मत उठाइए। हर दिन हम इस तरह की खबरें सुन रहे हैं, मनहूस खबरें मिलती हैं, पूरे परिवार के परिवार कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, और कर्जे के कारण तो लोग मर ही रहे हैं। एक बड़ा कारण है कर्जे के बाद होने वाली बदनामी, जो एनबीएफसी वाले, जो रिकवरी वाले, जो साहूकार, जो बैंक वाले टॉर्चर करते हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, सामाजिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, बदतमीजी करते हैं, उसके कारण बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन अब आपको परेशान होने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई गलत कदम नहीं उठाना है। यदि कोई बैंक वाला, कोई एनबीएफसी वाला, कोई रिकवरी वाला, कोई साहूकार, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे आपने कर्जा लिया वो अब आपको परेशान कर रहा है, तो आप तुरंत हमारी टीम से संपर्क करिए। हमारी कर्जा मुक्ति की टीम आपकी मदद करेगी, हर संभव मदद करने का मैं आपको वचन देता हूं। अलग अलग राज्यों के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, अलग अलग राज्यों के फोन नंबर मिल जाएंगे हमारे प्रभारियों के, उनसे बात करिए। अभी हम लोगों ने जिला स्तर पर टीम बनानी शुरू कर दी है, बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर टीम बना रहे हैं। वहां टीम बनी होगी तो वो टीम भी आपकी मदद करेगी। अलग अलग लोकसभा के हमारे ग्रुप बने हुए हैं, जिस लोकसभा में आप रहते होंगे वहां अगर आपको कोई टॉर्चर कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, कोई दिक्कत कर रहा है, उस लोकसभा के ग्रुप में हम आपको जोड़ देंगे। अगर आपने कर्जा मुक्ति का फॉर्म भरा हुआ है और वहां जितने भी साथी उस लोकसभा में है वो सब आपकी मदद के लिए आगे आएंगे, वो सब आपकी मदद करेंगे। साथियों संगठित होना पड़ेगा, अकेले अकेले लड़ाई लड़ेंगे आप जीत नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप संगठित हो जाते हैं, आप अपनी भी आवाज उठाते हैं और भी जो लोग कर्जे के कारण परेशान हैं उनकी भी आवाज उठाते हैं, उनकी भी मदद करते हैं, तो यकीन मानिए कोई बैंक वाला, कोई रिकवरी वाला, कोई साहूकार, कोई एनबीएफसी वाला आपको परेशान नहीं कर सकता, आपको प्रताड़ित नहीं कर सकता। और मैंने बार बार कहा है कर्जा मुक्ति अभियान पूरी तरह से निशुल्क है। हमारी टीम जो भी सेवा देगी आपको, फॉर्म भरने का, रजिस्ट्रेशन का, ट्रेनिंग का, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। सबसे पहले कर्जा मुक्ति का फॉर्म भरिए, और जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है, अगर आपका फॉर्म भरे एक महीना हो गया है तो आपका कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र भी आ गया होगा। आप हमारे टीम के प्रभारियों से संपर्क करिए अपने राज्य के, वो आपको बता देंगे आप कहां से प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अपना कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र भी प्राप्त करिए, अपना फॉर्म भरिए, अपने आस पड़ोस में, मोहल्ले में, जानकारी में जितने लोग हैं सबको बताइए। देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है, अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी को एक रुपया भी नहीं देना। और यदि कोई कर्जा मुक्ति के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर, किसी भी तरह से आपका सर्टिफिकेट दिलाने के नाम पर आपसे एक रुपया भी मांगता हो, तुरंत उसकी पुलिस में कंप्लेंट कर दो, वो हमारा व्यक्ति नहीं है। और कई लोग हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर से बहुत सारे रिकवरी वाले, बहुत सारे एनबीएफसी वाले, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो रिकवरी का काम करती है, बहुत सारे साहूकार, वो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे ऊपर एफआईआर करा रहे हैं, ये बोल करके ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ये लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, लोगों के साथ झूठ बोल रहे हैं। लोगों की जान बचाना अपराध नहीं है साहब। हम 1 लाख से ज्यादा लोगों को पिछले 1 साल में आत्महत्या करने से बचा चुके हैं, और मैं आप सबसे विनती कर रहा हूं गलत कदम नहीं उठाना है। आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं, और सरकार की गलत नीतियों की सजा आपने आपको नहीं देनी है। नोटबंदी आपने नहीं करी, जीएसटी आपने नहीं लगाया, लॉकडाउन आपने नहीं लगाया, जब इनमें से कोई काम आपने नहीं किया है तो आप अपने आप को, अपने परिवार को सजा ना दें, अपने आप को दोषी ना माने, इसमें आपकी गलती नहीं है। और ऐसे सभी लोग जो सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे हैं, मैं उन सबसे वादा करता हूं आपको कर्जे की दलदल से बाहर भी निकालेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति ठीक भी करवाएंगे, क्योंकि गलती सरकार की है। कंपनसेशन सरकार को देना चाहिए, सरकार को आपको मोहलत भी देनी पड़ेगी। अगर कर्जा माफ कर सकते सरकार, या तो कर्जा माफ करेगी या फिर कम से कम आपको 2 वर्ष का समय दिया जाएगा ताकि आप आसानी से अपना व्यापार चला सकें, अपना काम धंधा कर सकें। आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, प्रधानमंत्री कार्यालय में आपकी जानकारी भेजी जा रही है, और अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में पीआई लगाने जा रहे हैं, उसकी भी तैयारी चल रही है। बिल्कुल घबराना नहीं है, कोई गलत कदम नहीं उठाना, मेरी टीम हर संभव आपकी मदद करेगी। यहाँ टीम के व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएंगे, फोन नंबर भी मिल जाएंगे, उन्हें फोन पर संपर्क करिए, व्हाट्सएप पर संपर्क करिए, और वो आपको लोकसभा के ग्रुप में भी जोड़ लेंगे। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भी भरिए, गूगल पे जाके सर्च करिए कर्ज मुक्त भारत अभियान, पूरी जानकारी मिल जाएगी। अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी को 1 रुपया भी नहीं देना है।